तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मीशो पर अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्टिंग करें। तो लिस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं, अपने मीशो के डैशबोर्ड में आ जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कैटलॉग अपलोड्स के बाद यहाँ ऐड सिंगल कैटलॉग इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सर्च करनी है। कैटेगरी में क्लिक कीजिए, तो टी शर्ट है तो मेंस फैशन, देन वेस्टर्न वियर, टॉप वियर ही होगा ऑफकोर्स, देन टी शर्ट पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कीजिए ऐड प्रोडक्ट इमेज में आने के बाद फिर आपका फोल्डर जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की इमेज है वहाँ जाके उस पर सेलेक्ट करके उसे ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये इमेज आ गया, इसने ले लिया उसे, फिर कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो थोड़ा टाइम ले रहा है, आई गेस नेट स्लो चल रहा है। सो यहाँ आपकी इमेज आ गई। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स आप शुरू कीजिए प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से, उसका प्राइस रखिए। तो जैसे हम ये फ़िलहाल अभी हम 149 पे चलाना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ ये आपका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, इसमें कोई आप एक्स्ट्रा कॉस्टिंग वगैरह ना ऐड करें। टी शर्ट हमारी 5% GST पे जाती है। यहाँ एक्चुअल प्राइस रखें, यहाँ MRP जितनी रखनी है वो रख सकते हैं आप। टी शर्ट मैक्सिमम 50 grams का होना चाहिए, होता है। HSN कोड इसका अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो गूगल से सर्च कीजिए। ये जनरली ये HSN कोड रहेगा, कंट्री ऑब्वियसली इंडिया में हो रही है। सो यहाँ पे हम यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं। सो प्रोडक्ट नेम हमारा क्या रहेगा, कूल टी शर्ट ऐसे करके डालते हैं। टी शर्ट फॉर मेंस, ठीक है, टी शर्ट फॉर मेंस टाइगर इश डाल दो। जैसे मैं टाइटल डालना चाहता हूँ, टाइटल आप कुछ भी डाल दें, टाइगर इश। ठीक है, सो यहाँ आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने डिस्क्रिप्शन अपनी अच्छी खासी यहाँ लिखी हुई है। सो इस मैं क्योंकि लिख लेना अच्छा है कि बार बार आपको कॉपी ना करना पड़े, तो इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद वापस बैक आइए, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन आपका पेस्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये SKU कोड ऑप्शनल होता है यहाँ की, हालांकि हर ऑर्डर्स पे आपको प्रोडक्ट इमेज दिखी जाता है, तो SKU कोड अब भी उतना ज़रूरी नहीं है अंटिल एज मैक्सिमम क्वांटिटी के आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो तब तक के लिए। तो उसके बाद यहाँ हमें इन्वेंट्री डालना है। इन्वेंट्री पे यहाँ क्लिक कीजिए, आपके पास जो जो साइजेस अवेलेबल हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हमारे पास मीडियम, लार्ज और XL हैं इस डिज़ाइंस में, ठीक है। और ये सेलेक्ट करने के बाद मीडियम, लार्ज और XL सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ आप सबकी इन्वेंट्री डाल दीजिए कि कितनी कितनी टी शर्ट है। तो मेरे पास इसकी लगभग 25-25 टी शर्टें हैं तीनों डिज़ाइंस की। ये डालने के बाद ये चीज़ आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें फिर आप अपना चेस्ट साइज़ और ये, तो मीडियम का जो चेस्ट साइज़ जनरली होता है वो आपका 20x22 से शुरू होता है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। एक सेकेंड, हाँ। सो जी, मीडियम का 40 इंच से शुरू होता है। अच्छा जी, ये अलग ही दिखा रहा है यार, ये तो शायद इसमें गलत है, अभी जो मैंने लास्ट देखा था। सो यहाँ 20 से शुरू होता है वो। सो 20, देन फिर 2-2 इंचेस का इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए, 20x24 कर दीजिए, लार्ज में 24 और लेंथ में इसकी शुरू होती है 29 से। सो 29 पे आइए आप, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन, 29.5 रहती है, 29.5, देन ऐसी 1-1 इंच ऊपर जाना है आपको, 29.5 के बाद 31.5 और 31.5 के बाद 33 के आसपास 34, 34.5 लास्ट वाला 34.5 रहेगा आपका। ये डलते ही आपका ऑलमोस्ट चीज़ तैयार हो गई। टी शर्ट हमारी जो है यहाँ, इसका कलर ग्रीन है तो वो हमें थोड़ा देख लेना है, वैसे नियॉन ग्रीन कहते हैं, देखते हैं। हाँ, नियॉन ग्रीन अवेलेबल है, बहुत अच्छे। और हमारा ये पॉलिस्टर मिक्स है तो इसका जो हम डालेंगे पॉलिस्टर ही डाल देते हैं फिलहाल के लिए।
ऐसा पॉलिस्टर होता नहीं है, पॉली कॉटन होता है, तो वो डाल देते हैं, वो बेटर रहता है। पॉली सिल्क, पॉली कॉटन डालना है ना हमें, हाँ। सो पॉली कॉटन डाल दिया, उसके बाद रेगुलर फिट है हमारा ये हेम लाइन। ये होती है आपकी टी शर्ट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कैसा है, तो वो स्ट्रेट ही है, और लेंथ है हमारी रेगुलर ही होगी। आपके ऑर्डर्स में एक टी शर्ट जाएगी तो वन। नेक इसका राउंड है तो राउंड सेलेक्ट कीजिए। पॉकेट्स इसमें नहीं है तो नो पॉकेट। किस ओकेशन के लिए, तो ओकेशन जनरली कैजुअल ही है, नॉर्मली लोग पहनते हैं। यहाँ कुछ नहीं सेलेक्ट करना, ये ब्रांड नेम्स है। यहाँ पे अब प्रिंटेड है, ये आपकी टी शर्ट प्रिंटेड है तो प्रिंटेड लिखिए। प्रिंट का पैटर्न किस टाइप का है, तो बेसिकली ये वैसे तो ये फंकी प्रिंट है, तो फंकी प्रिंट डाल सकते हैं। ओके, स्लीव हमारी यहाँ वैसे ही हाफ स्लीव है पर मिलता नहीं है, तो हम शॉर्ट स्लीव डालेंगे इसमें। स्लीव स्टाइलिंग में आपका रेगुलर ही आएगा आई गेस, हाँ ये रेगुलर, दैट्स ऑल। ये आपकी सारी चीज़ें फिल हो गई। आपको ध्यान रखना है मीशो प्राइस 149, MRP आपका कुछ भी डाल सकते हो आप। GST 5%, HSN कोड ये, प्रोडक्ट वेट 50 grams, मेड इन इंडिया। नाम डाल दो आपकी टी शर्ट की डिज़ाइन के हिसाब से, उसके बाद आप यहाँ डिस्क्रिप्शन, आप कॉपी पेस्ट जो कॉपीड है बना रखा डिस्क्रिप्शन वो डालिए, और इन्वेंट्री यहाँ साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इन्वेंट्री डाल दीजिए सबकी, और फिर उसके बाद चेस्ट साइज वगैरह लेंथ डालने के बाद कलर ले लीजिए, फैब्रिक टाइप, फिट कैसा है, हेम लाइन वगैरह, इन सारे डिटेल्स को भरने के बाद जैसे ये चीज़ें भर गई आपकी, एक बार देख लीजिए कि सब ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है सबमिट कैटलॉग। ठीक है, सबमिट कैटलॉग करते ही ये आपकी लिस्टिंग यहाँ लिस्ट हो जाएगी, और ये अभी प्रोग्रेस दिखा रहा है QC क्वालिटी चेक, करीब 24 घंटे लगते हैं इसको प्रोसेस होने में। तो जैसे ही आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो ये आपका आपका यहाँ पे प्रोसेस में आ रहा है, यहाँ पे आपका एक्टिव है, पास में आ जाएगा, तो ये पास होते ही 208 पे। ओके, थैंक्स।